सुबह की शुरुआत हो गई है. दिस डे 6 इन राजस्थान. अभी जैसलमेर के लिए निकल रहे हैं. 6:20 की बस है और अभी 6 बज चुके हैं. हम बस स्टेशन की तरफ ही जा रहे हैं. ठीक था, ज़्यादा सोया नहीं मैं, बट ठीक था. तो किसी को लगता है कि ट्रैवलिंग बहुत आसान है, वो भी गलत है. ट्रैवलिंग हैज़ इट्स वीक डेज एंड स्ट्रॉन्ग डेज. दैट्स फाइन, दैट्स व्हाट इट इज़. तो उठ गए थे 5:30 के करीब, उठ गए थे. लेट नहीं होना चाहते. बस यहीं पे ही है, सीधा जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं. पहुंच जाएंगे जैसलमेर बाय 12. और ये बैग और ये बैग जैसा था, आई मेड श्योर कि कुछ रहा नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो सकता है रह जाता है चीज़ें. अभी चलते हैं, पहले बस पकड़ते हैं. भैया ये जैसलमेर जा रही है? हाँ हाँ, 6:20 वाली ना. हाँ हाँ ठीक है. और अभी सुबह सुबह है, मतलब 6:20 हो रहे हैं. तो यहाँ पे वेदर कुछ ऐसा है, तो काफ़ी ठंड लग रही है. हवा भी बहुत तेज़ है. अभी तो डेजर्ट के अंदर जा रहे हैं तो और ज़्यादा ठंडा होगा, देखते हैं. और ये बस के अंदर आ गए हैं. बस ठीक ठाक है, एसी सीटर है, 2-2 कॉन्फ़िगरेशन की है. 240 रुपये की पे कर रहे थे जैसे मैंने बताया. मेंटेन्ड इतनी नहीं है बट ठीक है, 6 घंटे की राइड है. और ये 27-28 ये दिख नहीं रहा होगा, बट ये हमारी सीट है. और यहाँ पे रिफ्रेशन्स के लिए रुके हैं, वॉशरूम एंड एवरीथिंग. 10 मिनट के लिए रुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दिया. 2 घंटे अभी भी हैं जैसलमेर पहुँचने में. ये बस है जैसे दिखाया था, ये मैंने ले लिया. चाय भी ली थी. पहुँच गए हैं जैसलमेर. करीबन 6:30 घंटे लगे जैसे बोला था. 12:30 बजे, सुबह 6 बजे चली थी बस. नमस्कार. तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की वॉक है हॉस्टल की तरफ, वहीं पे जा रहे हैं. गेस्ट हाउस में आ गया हूँ. ये सोफियाना गेस्ट हाउस है यहाँ जैसलमेर में. यहाँ मेन एरिया में ही है, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं साइड में. अभी जाऊँगा बाहर, कुछ खाऊँगा. लंच बहुत भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया था. ये शायद आवाज़ आ रही है, माइंड करना. तो बहुत सिंपल सा रूम है, प्राइवेट रूम ले लिया था क्योंकि मेरे को अच्छी डील मिल गई थी इस पर. तो दरवाज़ा है, लॉक दिया हुआ है. फिर चार्जिंग पॉइंट सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे. ये बेड है, क्लीन सा लग रहा है. अब पता नहीं, मेरे पास अपनी शीट भी है तो मैं वो भी बिछा सकता हूँ. अपनी शीट हमेशा कैरी करता हूँ ताकि यूज़ ना करनी पड़े. ये पूरा ऐसे कैबिनेट बनाया हुआ है यहाँ पे. ये बैठने की जगह है, शायद यहाँ से खोल के व्यू दिखेगा, अभी दिखाता हूँ. ये आपने बैग रखा है, छोटा सा टीवी है. ऑन करके नहीं देखा पर मैं शायद ऑन करूँगा नहीं. प्राइवेट बाथरूम है, शेयर नहीं कर रहा किसी के साथ. गीज़र नहीं है, जैसे मैंने कहा गीज़र नहीं है. उनको मैंने बोला तो उन्होंने गर्म पानी की बाल्टी भिजवा दी थी, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. मैंने 1 दिन के लिए बुक करा है. और प्राइस मेरे को 1 दिन का सिर्फ 150 रुपीज़ लगाया. हाँ जी, 150 रुपये लगाया बस 1 दिन का, जो मेरे हिसाब से चीपेस्ट अकोमोडेशन है मैं जिसमें रहा हूँ प्राइवेट रूम के लिए. यहाँ पे बालकनी है, वो भी दिखाता हूँ. बाहर आई थिंक कुछ चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है. पूरी बालकनी है यहाँ से. अभी बाहर जाऊंगा तो बाकी और दिखाऊंगा. भैया
भैया ये खाना लेकर आ गए, चिकन टुक्का मार ले। थैंक यू भैया, देखते हैं खा के बताते हैं कैसा है। आज कैसा कुछ खास प्लान नहीं है, देखते हैं क्या करूँगा। और अभी मैं ये थुक्पा खा रहा हूँ, एवरेज है। मैंने थुक्पा पहले भी खाया है काफ़ी बार, तो उस हिसाब से एवरेज है। थोड़ा ओवर प्राइज्ड है, 160 रुपये का है, बट आम्बियांस अच्छी है। जैसे मैंने व्यू दिखाया था अभी, तो उसके लिए आना है तो आना। और लोग अच्छे हैं, जिन्होंने सर्व करा था वो अच्छे थे। मैं यहाँ पे खाली बैठा हुआ, कोई नहीं है यहाँ पे। जैसलमेर के पीछे एक्चुअली काफ़ी हिस्ट्री भी है कि ये सिल्क रोड पे पड़ता था, और जो ट्रेडिंग राउट था, और बहुत सारे जगहें हैं जो सिल्क रोड पे पड़ती थी। उस ज़माने पे ट्रेड हुआ करता था इसी राउट से होते हुए, तो जैसलमेर उस पर पड़ता था। ये पूरा थार डेजर्ट में आता है, तो पूरा रेगिस्तान है। मई जून में तो बहुत गर्मी होती होगी यहाँ पे। अभी बहुत परफेक्ट टाइम है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे आखिर में एक टेंपल आता है, तनौत देवी का मंदिर है, वो एंड पॉइंट है, वहीं तक जा सकते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया अब। उसके बाद पाकिस्तान बॉर्डर आ जाता है, तो ऑब्वियसली वो क्रॉस नहीं कर सकते। और उसके आगे जाना है तो स्पेशल परमिशन लेनी होती है मिलिट्री से, वो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं शायद टेंपल भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज़ वो 120 किलोमीटर दूर है और टैक्सीज बहुत एक्सपेंसिव हैं। मैंने ऑनलाइन चेक करा था, तो जैसलमेर आने के लिए एटलीस्ट मैं कहूंगा 4 से 5 दिन रखना। बिकॉज आपको एक दिन तो, अगर बस से आ रहे हो या ट्रेन से आ रहे हो, तो एक दिन तो आने में, एक दिन जाने में लगेगा। फ़्लाइट्स एक्सपेंसिव हैं, पहले ही बताऊँ, फ़्लाइट्स एक्सपेंसिव हैं। आपको आने जाने की फ़्लाइट 8 से 10 हज़ार के बीच में मिलेंगी, इफ़ नॉट मोर। बसेस यहाँ से डायरेक्ट बस है, वो भी 1400-1500 रुपए की है, स्लीपर क्लास। ट्रेन जाती हैं, जैसलमेर एक्सप्रेस करके है, तो वो करनी है तो वो कर सकते हो। आई होप कि मैं सारी चीज़ें अच्छी तरह कन्वे कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं भी ये सीख रहा हूँ। मैं व्लॉग पहले नहीं करता था, इसी ट्रिप पे पहली बार शुरू करा है और फुल फोर्स में शुरू करा है। जितना आसान दिखता है शायद कैमरा पे, उतना है नहीं ऑनेस्टली। कैमरा पकड़ना, एक कोई भी गली में सब आपको तरह देख रहे हैं और आप कैमरा में बोल रहे हो, तो वो नॉर्मल नहीं लगता है। पर मेरे को अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपनी ऑडियंस को, कि अगर आप यहाँ पे आओ तो आपको ऑलरेडी चीज़ें पता हों और आपको कोई इधर उधर भटकना ना पड़े, ये मेरा मेन एम है। चलो चलते हैं, थोड़ा धूप ज़्यादा आ रही है। फोर्ट वाला के अंदर वाला एरिया, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ अभी। ये पूरा मेन टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे सारे कैफेज रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, सारी स्कूटीज और ये बाइक्स रेंट पे हैं। भैया स्कूटी और बाइक रेंट पे है? ये स्कूटी और बाइक रेंट पे भैया? हाँ। कितना चार्ज करते हैं आप लोग एक दिन का? 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये वन डे। और रॉयल एनफील्ड का 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये एक दिन का, और रेंजर का 800 रुपये। और किसी को 2-3 दिन के लिए लेना है तो आप नेगोशिएट कर लेंगे ना? हाँ, उसमें कुछ डिस्काउंट कर देते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। जैसलमेर फोर्ट ये कल जाऊंगा मैं, अभी नहीं जा रहा, ये बहुत टाइम लगेगा इसको एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे टैक्सीज हैं, आई थिंक डे वाइज हायर कर सकते हैं। मैं प्राइस अभी पूछ के बता दूंगा कुछ टाइम पे।
we going tomorrow, right? Yeah, I think we tomorrow afternoon. At 2 o'clock? Yeah. Did you guys buy it already? Yeah. We found like the same thing. We just found it for $1,300. Yeah, I just heard from him. So that's a lot of money. और ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं। मैं अभी वापस मार्केट एरिया जा रहा हूँ, हमें थोड़ा कैश विड्रॉ करना है। यहाँ पे एटीएम्स हैं हर जगह, तो हो जाएगा। इंडसइंड बैंक का था, एसबीआई का था यहाँ पे। और अभी हमें अपना कल का कैंप सफारी का भी बुक करना है। उसका प्राइस पता चल गया है, वो जो मेरे गेस्ट हाउस में है वो 1300 मांग रहा है वन डे टूर के लिए, जिसमें सब इंक्लूडेड होगा। इससे अच्छी डील नहीं मिल रही मेरे को, तो मैं शायद इसको ही ले लूँगा। बाकी डिटेल्स बाद में बताता हूँ। Yep. Have you ever pet a cow before? No. Yeah. No? Oh yeah. She didn't understand what you were saying. No. Oh okay. Yeah, I was gonna say that, right? Yeah. Sure. I had to find cow. Move your hand. खा लिया था अभी। थोड़े फ्रेंड्स यहाँ पे मिले थे हॉस्टल में, मेरे फ्रेंड के हॉस्टल पे, तो उनके डिनर खाया था। अभी वापस जा रहा हूँ अपने गेस्ट हाउस, और मैंने सफारी बुक कर दिया, उसकी डिटेल्स जाके देता हूँ। तो आज वैसे ज़्यादा कुछ करा ही नहीं, कुछ भी नहीं करा, बल्कि सिर्फ जोधपुर से आया और यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करा। टुक इट ईजी, कल हमारी सफारी है, परसों जैसलमेर एक्सप्लोर करके मैं वापस निकल जाऊँगा दिल्ली।